तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाइट बियर्ड को किस तरीके से शेड करना है। उसका एक टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उसमें आप लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस दिखाया। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अब आज के वीडियो में ये शेड करने वाला हूँ कि इस तरीके का हेयर एंड बियर्ड किस तरीके से शेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फेस नहीं बनाऊँगा, सिर्फ हेयर एंड बियर्ड को मैं ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। और अगेन, इसकी भी टेक्निक बहुत सारी हैं, अलग अलग मीडियम में अलग अलग टेक्निक है। आप चारकोल से बना सकते हो, ग्रेफाइट से बनाओ, उसमें भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो वैसे मैं सारे टेक्निक को भी कवर करूँगा लाइन बाय लाइन, बट इस वीडियो में मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, जो कि है ग्रेफाइट पेंसिल से लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो पहले मैं शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इस तरीके का टेक्सचर वाला हेयर आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने शेप बना दिया है। अब बारी आती है रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने की, देखने की कि किस तरीके का लाइटिंग सिचुएशन है, किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो, जो कलर का जो इंटेंसिटी है, ब्लैक की जो इंटेंसिटी अच्छी खासी, यहाँ पर देखो लाइट ऊपर से पड़ रहा है तो एक पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर भी आप देखो कुछ कुछ लाइन्स दिख रहे हैं जहाँ पर हाईलाइट पड़ रहा है। और बियर्ड में भी आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर शाइन वगैरह भी है, और टेक्सचर भी इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो हमें आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है ये बिल्कुल एक्सट्रीम डार्क एरिया, और यहाँ पे ये, तो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग प्रोसीजर होगा, तो आगे मैं फटाफट से बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम दे देंगे बेस लेयर, और यहाँ पे आप एच बी यूज़ करो बेस लेयर के लिए। यहाँ पे मैं बी यूज़ कर रहा हूँ, एक ही बात है, ज़्यादा अंतर नहीं है। आप एच बी यूज़ करोगे आपका काम हो जाएगा। और ये जो एरिया मैं अभी सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंप्लीट डार्क एरिया है, यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं है, तो मैं सिंपली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हैचिंग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बट जो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे टेक्सचर है, वो वाले एरिया में मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो भी हेयर का डायरेक्शन होगा, पहले तो आप अच्छे तरीके से देखो। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होता कि हेयर का डायरेक्शन किस तरीके से है, तब तक आपको रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। जब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, इस तरीके से हेयर का डायरेक्शन है, फर्स्ट लेयर में आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, मतलब बिना प्रेशर के हेयर के डायरेक्शन को बस फॉलो करना है। एच बी पेंसिल आपके पास है, हेयर के डायरेक्शन में आपको बस शेड को अप्लाई करना है, प्रेशर नहीं देना। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे हल्का सा आप जो है स्ट्रोक्स कम लगाओगे, जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे आपको स्ट्रोक्स थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर सामने दिख जाएगा। बेस लेयर बहुत ही सिंपल है, बट इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है। तो यहाँ पे बेस लेयर को शेड करने के बाद मैं ब्रश यूज़ करूँगा ब्लेंड करने के लिए, और हल्की सी ब्लेंडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत मिक्सिंग करनी है। तो आपके पास मेकअप ब्रश है, पेंट ब्रश है, वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कॉटन है, टिश्यू पेपर है, तो उसको भी हल्के प्रेशर से आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। ब्रश वैसे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर लेता है, आपको टिश्यू पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप टिश्यू पेपर या फिर कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, रिजल्ट आपका सिमिलर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेयर के लिए 2B पेंसिल यूज़ करूँगा, और आपके पास 2B है बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। सेकेंड लेयर के लिए 2B मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे एक मिड टोन जो होता है उसको देना होता है। और यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट लेयर मैंने दिया हुआ है हेयर के ऊपर, और आपको एक प्रॉपर वॉल्यूम और हेयर का डायरेक्शन और लाइटिंग भी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो बेस लेयर मैं इसलिए बोलता हूँ, बेस लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीधा डार्क करोगे ग्रेफाइट में तो आपका काम बिल्कुल ख़राब हो जाना है। ग्रेफाइट में आप काम कर रहे हो, लेयरिंग पे आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चारकोल में यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डार्क कर तो सकते हो, बट ग्रेफाइट में नहीं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लेयर में ही जो वॉल्यूम है और जो हेयर का डायरेक्शन है और लाइटिंग कंडीशन भी हल्का फुल्का आपको ऑप्ट कर लेना है। उसके बाद सेकेंड लेयर में उसी चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और बस उसी चीज़ को, जैसे हेयर का डायरेक्शन मैंने वहाँ पे दिया था, इसको मैं हल्का सा डार्क करूँगा। वैसे पेंसिल जो मैंने यूज़ करी है वो 2B है, मतलब B और HB से ज़्यादा डार्क है। तो हल्का फुल्का प्रेशर हम कहीं पे देंगे जहाँ पे एक्सट्रीम डार्क होगा, और बाकी जगह पे पहले तो मैं जो एक्सट्रीम डार्क एरिया है, जो नीचे का एरिया है, वो जो एक्सट्रीम डार्क है जहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं देना, उसको मैं मार्क कर लूँगा। उसको मैं सीधा 8B वहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे कोई टेक्सचर नहीं देना है।
तो मैं वहाँ पे 8B यूज़ करके हल्का सा प्रेशर यूज़ करके एक एक्सट्रीम डार्क एरिया मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। बट जो टेक्सचर एरिया है, मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ पे टेक्सचर देना होता है वहाँ पे लेयर आपको देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं जो टेक्सचर एरिया उसमें मैं 2B से सेट करूँगा। प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस आपको हेयर का डायरेक्शन को फॉलो करना है। जहाँ पे शेडो है वहाँ पे हल्का सा लेयर ज़्यादा देना है, और जहाँ पे लाइट है उसको थोड़ा सा आपको वहाँ पे लेयरिंग कम करनी है, प्रेशर कम रखना है। तो गाइस यहाँ पे जो एक्सट्रीम डार्क एरिया है ये वाला, इसको मैं सेट ब्लेंड करूँगा हार्ड ब्रश से, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं देना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने किस तरीके से इसको अप्लाई करना है हार्ड ब्रश को, और कैसे कौन से एंगल में इसको होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर मैं सीधा अप्लाई कर देता हूँ, और जो टेक्सचर वाला एरिया है वहाँ पे मैं मेकअप ब्रश यूज़ करूँगा। हल्का सा ब्लेंडिंग करनी है ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। प्रेशर देने के बाद वो क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही टाइटली वो चिपक जाते हैं पेपर पे, फिर आप उसके ऊपर हाईलाइट नहीं दे पाओगे। तो आपको आराम से ब्लेंड करना है जो कि टेक्सचर वाले एरिया है, और जो डार्क एरिया है जहाँ पे कोई टेक्सचर वगैरह नहीं देना वहाँ पे आप प्रेशर दे दो, थोड़ा बहुत चलेगा। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है और हेयर अच्छा खासा दिख रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हेयर लाइन्स हमने जो ड्रॉ करी हैं वो कहीं ना कहीं फ्लैट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा अभी तक। तो इसके उसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे मोनोजीरो रेजर यूज़ करूँगा हाईलाइट देने के लिए, क्योंकि जिस लाइटिंग कंडीशन में था, जो भी हमारे पास रेफरेंस था, उसमें ये दिख रहा था कि लाइट ऊपर से पड़ रहा है। तो जो ये वाला एरिया है यहाँ पे अच्छा खासा लाइट पड़ रहा है, तो हम अगर उसको नहीं बनाएंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि फिर हेयर जो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और बहुत लोग करते हैं कि हाईलाइट देने की वजह से बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं, तो फिर वो भी सही नहीं है। आपको अच्छे तरीके से रेफरेंस को देखना और पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना प्रेशर आपको अप्लाई करना है जब आप मोनोजीरो इरेजर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई पेंसिल अप्लाई कर रहे हो। जितने अच्छे तरीके से आप रेफरेंस को ऑब्जर्व करोगे उतने अच्छे तरीके से आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये वाला जो एरिया है ये और डार्क होगा, तो यहाँ पे मैं और लेयर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 8B। आपको मैं 6B का सजेशन दूंगा कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके का कंडीशन आपके पास आता है तो यहाँ पे आप 6B यूज़ करो, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आपके हैंड पे कंट्रोल होगा वो, मतलब अगर आपके हैंड पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है तो आपको 6B यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपके हैंड पे कंट्रोल, आपको लगता है कि आपके हैंड पे अच्छा खासा कंट्रोल है, तो यहाँ पे आप 8B या 10B भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इंडेंटेशन मेथड यूज़ करो, तो पर्सनली मुझे ये मेथड इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। बट बहुत इजी मेथड, इसमें कुछ ट्यूटोरियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडेंटेशन जो टूल है वो, उसके लिए आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जो उसका लीड होता है उसको अंदर लीड निकाल के या फिर लीड को अंदर डाल के आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे भी आपको हाईलाइट दिख रहा है रेफरेंस में वो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ताकि जब भी आप लेयर ऐड करोगे तो वो एक वाइट लाइन आपको अच्छे तरीके से विजिबल मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर टाइम मोनोजीरो इरेजर का यूज़ करके या फिर वाइट जेल पेन का यूज़ करके मैं जो हाईलाइट है वो अप्लाई करता हूँ। बट बहुत लोगों ने बोला कि इंडेंटेशन मेथड यूज़ करो, तो यहाँ पे मैं हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर रहा हूँ।
अगर आप चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ यूज़ करना। बहुत कम टाइम होता है ऐसा जब मैं इंडेंटेशन मेथड यूज़ करता हूँ। कहीं पे ऐसा होता है, सिचुएशन कभी ऐसा आता है कि उसके बिना काम नहीं चलता है, तो वहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ता है, बट जनरली मैं इसको अवॉइड करता हूँ। ये मेरा पर्सनल चॉइस है। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं बियर्ड की, और ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है वो सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे वो मैं आपका बता देता हूँ। जैसे कि बेस लेयर में वहाँ पे था कि जो हेयर थे वो अच्छे खासे डायरेक्शन में थे, एक सिमिलर डायरेक्शन में थे। यहाँ पे आपको जो बियर्ड है इस तरीके की, इस साइज़ के जो बियर्ड होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। बहुत लोगों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हेयर ड्रॉ कर देते हैं, जो कि वो बिल्कुल रियल नहीं दिखता। अगर आपको रियलिस्टिक बनाना है तो कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, कुछ रैंडम लाइन ड्रॉ करो, बट डायरेक्शन आप देख लो, रेफरेंस में आपको पता चल जाएगा कि हेयर का डायरेक्शन किस तरीके से जा रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, हल्का फुल्का मुड़ा मुड़ा टाइप सा होता है। तो आपको बेस लेयर में भी वही बनाना है। यहाँ पे देखो, मैं छोटे बहुत रैंडम लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, हेयर का डायरेक्शन मुझे पता है कि किधर जा रहा है, बस वो ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। HB पेंसिल यूज़ करना है बिना प्रेशर के। ओके, तो जो प्रोसीजर हमने हेयर ड्रॉ करते टाइम फॉलो किया था वही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फर्स्ट लेयर दिया, उसके बाद ब्लेंड करेंगे, उसके बाद इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो डार्कर पेंसिल है, जो डार्क ग्रेड की पेंसिल है, उसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि थोड़े बहुत बीच बीच में आपको प्रेशर को रिलीज़ करना है, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा लगाना है, क्योंकि आपको ये जो टेक्सचर दिख रहा है ना बियर्ड का, अगर आप सिमिलर प्रेशर से सिमिलर डायरेक्शन में एक ही लाइन ड्रॉ करोगे, एक ही तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे, तो टेक्सचर आपको नहीं मिलने वाला है। आपको कहीं पे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करना है, कहीं पे ज़्यादा लगाना है, कहीं पे रैंडम लाइन ड्रॉ करना है, कहीं पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तब जाके प्रॉपर जो बियर्ड वाला टेक्सचर होता है वैसा मिलेगा। उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे, और अगर इसके बाद आपको लगता है कि और डार्कनेस की ज़रूरत है और लेयर की ज़रूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेयर ऐड कर सकते हो, प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर रहेगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे ठीक है, हेयर का जो डार्कनेस है अच्छे खासा मिल गया, टेक्सचर भी आपको मिल गया, तो यहीं पर आप रुक सकते हो। तो ये आपके ऊपर है किस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का जो भी आप बना रहे हो, कैसा वहाँ पर डार्कनेस आपको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे हाईलाइट देने के लिए मैं मोनोजीरो इरेजर यूज़ करूँगा, और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप लेयर ऐड कर रहे हो प्रेशर आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, मोनोजीरो इरेजर आपके लिए कोई काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, आप वहाँ पे लाइन्स आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आपने लेयर बनाते टाइम प्रेशर अप्लाई नहीं करा है, तो आप ईजिली जिस तरीके का आपको रेफरेंस में हाईलाइट दिख रहा है उसी तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो फाइनल फिनिशिंग और जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। ज़्यादातर टाइम मैं इसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली साइज़ की होती है, और छोटे छोटे लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत बारीक लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो एक बढ़िया सा टेक्सचर आप बना सकते हो। तो फिनिशिंग के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करना पसंद करता हूँ। अगर आपके पास है आप अप्लाई करो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, HB पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प करके आप यूज़ कर सकते हो।
तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।